उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपनी सरकार को लेकर थोड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाई कोर्ट ने बागी कांग्रेस के विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया है। 28 तारीख को हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले सरकार को गिराने और बचाने को लेकर हर तरह की कोशिश तेज हो गई है। उत्तराखंड में सियासी धड़कन हर दिन तेज हो रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उस वक्त जरूर चैन की सांस ली होगी जब नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी। खबर है कि अब ये बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। असल में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने बागी विधायकों को दल बदल कानून के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस की बागी विधायक अमृता रावत और शैलेंद्र मोहन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुख्य रूप से हमने ये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं जिनमें लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे नोटिस देते हैं तो वो निर्णय केवल स्पीकर ले सकते हैं और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आप सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक स्पीकर अपने फैसला नहीं देता तब तक हाईकोर्ट को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय हैं जो हमने अदालत के सामने रखे। विधानसभा में 28 तारीख को उत्तराखंड सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। स्पीकर ने बागी विधायकों से 26 मार्च को जवाब मांगा है और अब जब हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है तो वे लोग विधानसभा अध्यक्ष से नोटिस का जवाब देने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा का समय मांग रहे हैं। विधायकों को डर है कि वोटिंग से पहले इनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले से खुश मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर ही विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है।